बड़े खूबसूरत नमो लहजे के साथ बारगाह रिसालत बाब में अपनी हाजिरी को यकीनी बना रहे थे। मैंने आपको तकरीबन आधा घंटा सुना है, आपसे सिर्फ 3 मिनट की गुजारिश है, उसके बाद आप सुनिए। मुस्कुर मामू भाई अब्दुल रजाक शाह साहब का, अब्दुल रजाक साहब का, कि जिन्होंने इस कदर मुफरवर कैफ आवर के मान अफरोज और मातिलसूस महफिल का इनका किया है। दुआ करूँ अल्लाह पाक इनके रिस्क में, माल में, इज्जत आबरू में दिन 25वीं रात 26वीं तरक्की अता फरमाए। आपने देखा दौरान हाजिरी उनके पाकिस्तान के नाम पर सना खान फखरे सना खान पाकिस्तान से असलाने गुलामान हसन जनाब भाई मोहम्मद सुफियान सरवर फरीदी शागिर्द रशीद अलहाज शहबाज कमर अफरीदी साहब से मगर हुए। मैं दिल के दागिनाइयों से उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। अभी अपनी हाजिरी को पेश फरमाएंगे तो यकीनन फिर आपका दिल भी तक तक करेगा और जुबान भी सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह कहेगी। और आज की इस बजट में खसूसी खिताब हजरत अलामा मौलाना कारी रियाज हसन कादरी साहब इस मान की सरजमीन से, अभी वो किताब लाजवाब से हमें किरार फरमाएंगे। मैं सिर्फ इतना मैसेज देना चाहता हूँ आज की इस बजट में कि ये बस मौला अली का जिक्र आपने जहाँ छेड़ के छोड़ा है मैं वहीं से छेड़ता हूँ। 4 लाइनें पढ़नी है और माइक सुफियान भाई के हवाले करना है। कतर माइक के साथ लड़ होने वाला नकीब नहीं है, ऐसा नहीं है कि खुद तो माइक के साथ लड़ हो जाऊं और आने वाले सना खान का टाइम ले जाऊं। मैंने कहा अली कौन है? कुछ लोग अली का बुक्स दिल में रख लेते हैं और काबा तुल्ला का तवाफ करने चले जाते हैं। तवज्जो है आपकी, सबकी होती तो सारे कहते सुभान अल्लाह। कुछ लोग अली का बुक्स दिल में रख लेते और काबतुल्लाह का तवाफ करने पहुंच जाते हैं। शायर क्या कहते हैं कि तन पे जामाए हराम गुलाम मोहिउद्दीन भाई आप मकाबत के कुलिया कायदा कानून तरीका करीना सलीका से वाकिफ हैं। जुमलों का वजन कीजिएगा, मुझे दाद स्पेशल आपसे चाहिए। मैंने कहा जो लोग अली का बुक्स दिल में रख के काबतुल्लाह का तवाफ करने जाते हैं। शायर ने क्या खूबसूरत कहा, कहा तन पे जामाए हराम पेट में लुकमाए हराम और फिर ये काबे के चक्कर। तल पे जामाए हराम मुझे यहाँ 23 किसी में ना तो अपना जुमला जाया होने का खर्चा है ना देखा। मेरा जुमला पूरा हो अहलियाने 23 किसी दोनों हाथों को बुलंद करके जो मौला अली के दीवाने हैं सीने का जोर मेरे मौला अली के नाम पर कुर्बान करके बोलोगे भाई तल पे जामाए हराम पेट में लुकमाए हराम फिर ये काबे के चक्कर। काबा तो खुद चक्कर में है, ये लोग किस चक्कर में? काबा तो खुद चक्कर में है, ये लोग किस चक्कर में हैं? मैंने कहा जब तक अली दिलों में बचाया ना जाएगा खुलदेव अली की राह को पाया ना जाएगा, मेजे पे चढ़ के कहने लगा मुर्तजा का लाल ये सर अली का है ये झुकाया ना जाएगा। कहने लगा मुर्तजा का लाल ये सर अली का है ये झुकाया ना जाएगा, जब तक हमारे सर पे है हसनैन का कलम हमको यजीदियत से डराया जाएगा। जब तक हमारे सर पे है हसनैन का कलम भाई हमको यजीदियत से बतौर खास अपनी 4 महीने आपके लिए और माइक सुफियान भाई के हवाले। मैंने कहा नवीद भाई मरे थे जिनके लिए वो रहे वजू करते, एक मिनट की तवज्जो। मैंने कहा खुदा जब अपने अली पर ध्यान देता है खुदा लफ्जों के कदरदान जो अच्छा शेर सुन भी लेते हैं अच्छा कह भी लेते हैं। मैंने कहा खुदा जब अपने अली पर ध्यान देता है अली भी उसी के हक में अपना बयान देता है, अपना बयान देता है। अली का मर्तबा जरूरी तो नहीं मुजम्मिल सैदी हर बात जोर से करे फिर ही सुभान अल्लाह कहना है, कभी कभी बात के दम पे भी बोला करो। मैंने कहा खुदा जब अपने अली पर ध्यान देता है अली भी उसी के हक में अपना बयान देता है। अली का मर्तबा 13 रजब की रात से जब ना मकान भी उसको मकान देता है, उसको मकान देता है। भाई अली का जिक्र ना हो तो ये जहान बहरा है। टर्मिनोलॉजी पहली दफा ये टर्मिनोलॉजी मैंने नकाबत में इस्तेमाल की है, अली का जिक्र ना हो तो ये जहान बहरा है। आसिफ भाई अपनी जिसामत को देखिएगा और एस्टीमेट लगा के इस हिसाब से मौला अली के नाम पर उन्हें बात दीजिएगा। मैंने कहा अली का जिक्र ना हो तो ये जहान बहरा है, अली के वास्ते ही तो खुदा काम देता है, ही तो खुदा काम देता है। किसी ने कहा ये शहबाज बन गए हैं कैसे, कहा सखी को अली ही उड़ान देता है।
आपके भरपूर नारों की गूंज में अपने वाल से मुस्तफी सूख उड़ के पाकिस्तान के नाम सरा खान भाई मोहम्मद सुफियान सरवर फरीदी साहब से कि वो आए और अपने मुनफरिद सोतो सदा और एक अजब तरह अदा के साथ बारगाह रिसालत साहब में अपनी हाजिरी को यकीनी बनाए। नारा सुनाइए, नारा तकबीर, नारा तकबीर। सलामत है जिसका हाथ किसी एमएलए, किसी एमपीए, किसी चौधरी, किसी नवाब, किसी वजीरे के नाम पर बाद में मेरे नबी के नाम पर पल्ले उठता है। नारा रिसालत, नारा खिलाफत, नारा हैदरी। नबी भाई मोहम्मद सुफियान सरवर फरीदी साहब, आपकी सभासद के हवाले भाई आसिफ रशीद कादरी साहब।